ऐसे कंपाउंड्स को जहाँ पे एक मेटल एटम है और एक ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड विद मेटल एटम ऐसी अगर कोई चीज़ है उस चीज़ को क्या बोलेंगे आप ऑर्गेनो मटैलिक कंपाउंड तो वी कैन से दैट कंपाउंड्स विच कंटेन अ डायरेक्ट लिंक और डायरेक्ट बॉन्ड कैसा बॉन्ड डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड सच कंपाउंड्स दीज आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल इज लिथियम और ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है तो सच कंपाउंडस दिज आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्लियर ठीक है वैसे ही मैं एक और एग्जाम्पल लिख सकती हूँ यू हैव टाइटेनियम सी टू एच फोर ठीक है तो यहाँ पे मान लो आई हैव टाइटेनियम सी टू एच टू ओ फोर फोर टाइम्स तो यहाँ पे टाइटेनियम इज़ द सेंट्रल एटम और हर तरफ क्या लगा है आपके पास सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री यहाँ पे भी क्या लगा है सी एच टू सी एच थ्री और यहाँ पे भी क्या लगा है सी एच टू एंड सी एच थ्री तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे टाइटेनियम इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्बन एटम टाइटेनियम डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्बन एटम तो यहाँ पे देयर आर फोर मेटल कार्बन कौन कौन से टाइटेनियम कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट है इसीलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज ऑगेनो मटेलिक कंपाउंड ठीक है वैसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज द जीज सॉल्ट ठीक है जीज सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है जीज सॉल्ट वॉज द फर्स्ट ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड विच वॉज डिस्कवर्ड ये है प्लेटिनम सी एल थ्री और यहां पे है सी टू एच फोर अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं इस फॉर्मूला को तो यहाँ पे दिस इज़ कैटाइन और ये पूरा क्या चीज़ है ये है एनाइन ठीक है तो बीच में है प्लेटिनम थ्री साइड्स क्या प्रेजेंट है क्लोरीन 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 और फोर्थ साइड क्या प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड सी जो सी एच टू सी एच टू है इट इज़ सी टू एच फोर है वो है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू तो यहाँ पे प्लेटिनम साइमलिटेनियसली मतलब एक साथ इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी अटैच्ड है तो हम क्या बोलेंगे तो देयर आर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कार्बन बॉन्ड तो प्लेटिनम इज अगेन अ मेटल किसके साथ बॉन्डेड है कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ अटैचड है, है। इसीलिए इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हैं दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज इट क्लियर ठीक है अब अगेन मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ आई हैव एलूमिनियम कार्बाइड एलुमिनियम कार्बाइड इज ए एल फोर सी थ्री ए एल फोर सी थ्री में भी आपके पास क्या प्रेजेंट होगा एल्यूमिनियम और कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पे जब हम इसको डायरेक्ट एक बार देखते हैं तो यहाँ पे अगेन देयर इज मेटल कार्बन बॉन्ड तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन विच आई हैव टोल्ड यू दैट दे कंटेन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड इसके अकॉर्डिंग ये एलुमिनियम कार्बाइड भी क्या होना चाहिए ऑर्गेनो मोटेलिक कंपाउंड लेकिन आपको पता है कि कार्बाइड सिंपल कार्बाइड सी इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक सिंपल कार्बाइड इज़ नॉट ऑर्गेनिक ठीक है ऑर्गेनिक आप समझते हैं मिथेन इज ऑर्गेनिक इथेन इज ऑर्गेनिक बेंजीन इज ऑर्गेनिक लेकिन सिंपल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन क्या चीज़ है इट इज़ कोक जो कोयला हम लेते हैं वो है कार्बन तो जो कोयला हम यूज़ करें इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सिंपल कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है इसीलिए जब एशियन डेफिनेश डेफिनेशन थी तो वो बोलता था देर वॉज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन मेटल एंड कार्बन एंड कार्बन शुड बी प्रेजेंट ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रुप तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं है तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इंस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इट इज़ नॉट द ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड ठीक है तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन है कि कार्बाइट्स 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 क्या हो सकते हैं क्या एल्यूमिनियम कार्बाइड वैसे एक और पढ़ा होगा आपने कैल्शियम कार्बाइड सी ए सी टू कैल्शियम कार्बोनाइड दीज कार्बाइड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ठीक है अगेन वैसे ही है आपके पास ऑर्गेनो ऑर्गेनो ऑर्गेनोफॉस्फरस ऑर्गेनो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड्स है उसमें क्या प्रेजेंट है यू हैव सी एच थ्री और इट इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस मेटल ठीक है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनोफॉस्फरस है में जो फॉस्फ्रस और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है इसीलिए ये भी क्या होना चाहिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने चाहिए तो है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बट ऑर्गेनोफेस्फरस कंपाउंडस दे आर नॉट स्टडीड एलॉन्ग विद द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बिकॉज दे हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्राम दैट ऑफ ऑर्गेनोमोटेलिक कंपाउंड और ये इतने ज़्यादा वास्ट कंपाउंड्स हैं कि दे आर स्टडीड अंडर द सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनोफोस्फोरस कंपाउंड जैसे ऑर्गेनो कार्बन कंपाउंड्स है वैसे ही ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स ड्यू दो दे कंटेन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड बट दे आर नॉट स्टडीड अंडर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड दे आर स्टडीड एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं और कौन सी ब्रांच ऑफ केमस्ट्री है दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड तो ऑर्गेनो कार्बाइड्स ऑर्गेनिक फॉस्ट्रस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड ठीक है एक और एक्सेप्शन मैं आपको बताती जाती हूँ जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स पढ़े थे कार्बोनाइल्स पढ़े थे ना आपने तो कार्बोनाइल में क्या प्रेजेंट है यू हैव फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन आई सी ओ फोर निक्कल कार्बोनाइल तो निकल कार्बोनाइल क्या प्रेजेंट है निकल फोर कार्बोनाइल के ग्रुप्स अटैच्ड हैं इसके साथ सी ओ सी ओ और सी ओ फोर कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच्ड है तो यहाँ पे भी क्या आप देख सकते हैं निकल इज द मेटल इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम तो यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड तो है डायरेक्ट देर इज डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड लेकिन जो सी ओ ग्रुप है इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक नहीं है ये इनऑर्गेनिक ग्रुप है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन carbonyls शुड नॉट बी इंक्लूडेड दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द organometallic compound इंक्लूड तो होने नहीं चाहिए क्योंकि जो कार्बोनाइल लिगेंट है इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक इट इज़ इनऑर्गेनिक सी ओ क्या चीज़ है जनरली इट इज़ कार्बन मोनोक्साइड कार्बन मोनोक्साइड इनऑर्गेनिक मॉलिकूल है तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनोमोटेलिक कम्पाउंड इसीलिए लेकिन फिर भी ये अगेन ये क्या चीज़ है बहुत बड़ी एक्सेप्शन है ये क्या एक्सेप्शन है कि ऑल द मेटल कार्बोनाइल्स जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स हैं दीज आर स्टडीड अंडर ऑग्नोमोटेलिक कंपाउंड इज इट क्लियर ठीक है तो दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस कौन कौन से मॉलिक्यूल कार्बाइड्स को हम नहीं पढ़ते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस को भी हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन मेटल कार्बोनाइल्स दे आर इंक्लूडेड इन द ऑग्नोमोटेलिक कंपाउंड्स एक और एक्सेप्शन है दीज आर मेटल साइनाइड्स मेटल साइनाइड्स मेटल साइनाइड्स क्या है जिसमें सी एन नेगेटिव लिगेंट है मेटल साइनाइड में भी मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होगा लेकिन अगेन दीज आर नॉट स्टडीड एगोन इन द ब्रांच ऑफ ऑर्ग्नोमेटेलिक कम्पाउंड क्यों नहीं स्टडी करते क्योंकि सी एन नेगेटिव जो है वो ऑर्गेनिक लिगेंट नहीं है वो इनऑर्गेनिक लिगेंट है तो जहाँ पे भी इनऑर्गेनिक लिगेंट होगा वहाँ पे मेटल कार्बोनाइल्स में ऑर्ग्नोमेटेलिक कंपाउंड में ये इंक्लूडेड नहीं है लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है मेटल कार्बोनाइल्स दो देर इज कार्बोनाइल इज द इनऑर्गेनिक लिगेंट लेकिन फिर भी हम इनको कहाँ पढ़ते हैं ऑर्ग्नोमेटेलिक कंपाउंड में पढ़ते हैं इज इट क्लियर तो ये थी जो एशियन डेफिनेशन थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर हम ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड की रीसेंट डेफिनेशन देखें रीसेंट क्या डेफिनेशन है तो रीसेंट डेफिनेशन है कि देयर शुड बी प्रेजेंट वन मेटल कार्बन बॉन्ड मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन कैसा मेटल हो मेटल्स तो बहुत सारे हैं कौन से मेटल को इंक्लूड करना है और कौन से मेटल को इंक्लूड नहीं करना है इस कैटेगरी में ओ एम सी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैं यहाँ पे ओ एम सी बोला करूँगी ओ एम सी लिखा करूँगी तो मेटल जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हैं जैसे हमने पढ़ा कि दे कंटेंट डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड लेकिन मेटल कैसा हो कौन सी मेटल्स को हम इंक्लूड करेंगे कौन सी मेटल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं वो जो बॉर्डर लाइन है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉर्डर लाइन है तो कौन से मेटल को मुझे इंक्लूड करना है कौन से इंक्लूड नहीं करना है वो आ जाती है हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑगनोमेटेली कंपाउंड तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑग्नोमेटेली कंपाउंड ऑल दोज मेटल्स विच हैव इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कार्बन विच हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन कार्बन दे आर इंक्लूडेड इन द ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड ठीक है मतलब अगर मैं लिखती हूँ मेटल और कार्बन तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेक्टिविटी है टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रोनेक्टिविटी ऑफ कार्बन इज टू पॉइंट फाइव तो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर मैं यहाँ पे मेटल की मेटल की प्लेस पे नाइट्रोजन लिख देती हूँ तो नाइट्रोजन की एक्टिविटी है थ्री तो इट इज़ नॉट ऑगन कंपाउंड अगर मैं लिखती हूँ सिलिकॉन तो सिलिकॉन की एक्टिविटी है वन पॉइंट एट जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी है वन पॉइंट एट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वन पॉइंट फाइव फॉस्फ्रॉस की इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी है वन पॉइंट वन आर्सनिक की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है टू पॉइंट जीरो तो आप क्या देखते हैं जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी इट इज़ लेस देन टू पॉइंट फाइव तो इन में से या जैसे सोडियम है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी है पॉइंट नाइन लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी है वन पॉइंट जीरो तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ठीक है अगर मैं बोलती हूँ गैलियम गैलियम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 1.6 पॉइंट सिक्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 1.8 तो ये जितने भी जो मैं एलिमेंट्स लिख रही हूँ इन सब की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से कम है तो अगर इन एलिमेंट में से मतलब ऑल दीज एलिमेंट्स आर एम इफ़ एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्बन वी विल कंसिडर इट एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज इट क्लियर फॉर एग्जाम्पल आई राइट ए एल सी टू एच फोर थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम अब कार्बन के साथ अटैस्ट है तो आप देखो एल्यूमिनियम की एक्टिविटी इज लेस दैन टू पॉइंट फाइव इट इज वन पॉइंट फाइव इसीलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज द ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड तो इन द रिसेंट डेफिनेशन द टर्म मेटल द टर्म मेटल इट इंक्लूज ऑल द एलिमेंट्स विच हैज द इलेक्ट्रोनेगटिविटी लेस दैन कार्बन दैट इज लेस दैन टू पॉइंट फाइव इज इट क्लियर ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई हैव टीएमएस ट्राई मिथाइल साइलिन सुना होगा आप सबने जब आप एन एम आर पढ़ते हैं तो टीएमएस सुना होगा आपने ट्राई मिथाइल साइलिन ट्राई मिथाइल साइलिन क्या है यू हैव सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ फोर मिथाइल ग्रुप लगे हैं सॉरी इट इज टेट्रामिथाइल साइलिन फोर मिथाइल ग्रुप लगे हैं सिलिकॉन के साथ तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ यू हैव सिलिकॉन फोर पोजिशन पे यू हैव सी एच फोर सी एच फोर सी एच फोर और यहाँ पे है सी एच फोर तो यहाँ पे सिलिकॉन इट इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम अब सिलिकॉन कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो कितनी है कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 2.5 सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चेक करो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 1.8 तो 1.8 पॉइंट एट इज लेस देन टू पॉइंट फोर देयर फोर टी एम एस इट इज कंसिडर्ड एज द ऑग्नोमोटेलिक कंपाउंड इज इट क्लियर ठीक है वैसे यू हैव टेट्रा इथाइल लेड टी ई एल का नाम भी सुना होगा सबने टेट्रा इथाइल लेड टेट्रा इथाइल लेड लेड मतलब पी बी टेट्रा इथाइल इथाइल क्या होता है सी एच टू सी एच थ्री कितने टाइम्स है ये फोर टाइम्स ठीक है तो यहाँ पे लेड के साथ किसका बॉन्ड है कार्बन के साथ ठीक है तो और अगर आप लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो तो लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आती है आपके पास लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्बन इज इट क्लियर देअर फोर इट इज कंसिडर्ड एज द ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड ठीक है तो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड वैसे ही एक और एलिमेंट है फिरोसिन फिरसिन का नाम सबने होगा यू हैव आयरन एटम आयरन इट इज अटैच टू साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स दो साइक्लोपेंटाडाइन की रिंग के साथ अटैच्ड है फिरोसिन ये वन टू थ्री सिक्स मेंबर रिंग बन गया आपने इसको फाइव मेंबर रिंग बनाना है ठीक है फिरोसिन फिरोसिन में आयरन है आयरन किसके साथ अटैच्ड है किसकी रिंग बनी है ये कार्बन कार्बन एटम की रिंग बनी है ये कार्बन कार्बन की ठीक है मतलब अगर मैं यहाँ पे आयरन लिखूँ तो यहाँ पे है कार्बन 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 और कार्बन ठीक है कार्बन कार्बन अटैच है यहाँ पे मैं ओ यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं आयरन इट इज अटैच टू कार्बन 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 और कार्बन ठीक है यहाँ पे एरोमेटिसिटी है इसलिए मैं रिंग लगाई हूं तो आयरन इट इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम तो आयरन की इट इज लेस एज इलेक्ट्रोनिविटीय टू कार्बन इट इज ऑल्सो एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ठीक है तो अब हम क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनो बोरोन ऑर्गेनोबोरोन बोरोन की इलेक्ट्रोनिटिविटी लेस देन कार्बन ऑर्गेनोसिलीकोन ऑर्गेनो आर्सेनिक ऑर्गेनो टेलोरियम जितने भी ये कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फरस फॉस्फोरस ने इंक्लूड करना है आपने क्यों मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमोटेलिक में स्टडी नहीं करते हैं दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन कार्बन दैट इज वन पॉइंट वन इज इट क्लियर ऑर्गेनो फॉस्फोरस को हम ऑर्गेनोमोटेलिक में कंसिडर नहीं करते हैं और इसको सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्योंकि इट इज़ अ वेरी वास्ट इसीलिए इसको हम सेपरेट पढ़ते हैं ठीक है तो ऑगेनो फॉस्ट्रस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज द ऑगनोमोटेलिक कंपाउंड ठीक है compound, और इट इज वेरी वेरी वास्ट और किस को हम कंसिडर नहीं करेंगे सोडियम साइनाइड अभी मैंने कहा था कि साइनाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑगनोमेटेलिक कंपाउंड्स कार्बाइड्स कैल्शियम कार्बानाइड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑगनोमेटेलिक कंपाउंड्स एलुमिनियम कार्बाइड ए एल फोर सी थ्री दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑग्नोमटेली कम्पाउंड एंड फॉस्फ्रस मान लो सी टू एच फोर है इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन ऑग्नोमटेली कम्पाउंड ठीक है जबकि यहाँ पे सब में डायरेक्ट मेटल कार्बन मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन फिर भी दीज आर नॉट कंसिडर्ड इन द ऑग्नोमोटेली कम्पाउंड ठीक है अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने कहा था ऑग्नोमोटेली कम्पाउंड में एक मेटल है और एक क्या ग्रुप होता है ऑर्गेनिक रूप लेकिन ऑर्गेनिक रूप का सिर्फ कार्बन एटम अटैच होना चाहिए मेटल के साथ फॉर एग्जाम्पल आई हैव सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए तो एन ए क्या है यहाँ पे मेटल और ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्ट है ये लेकिन आप देख सकते हैं कि सोडियम यहाँ पे किसके साथ अटैचड है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अटैच है ये कार्बन के साथ अटैच नहीं है अगर मैं लिखती हूँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ के साथ अटैच है एन ए अगर ओ के साथ अटैच है अगेन इट इज़ नॉट ऑग्नोमेटेलिक कंपाउंड अगर ये सोडियम इस कार्बन के साथ लिंक बनाता बॉन्ड बनाता देरफोर तब होता ये ऑर्ग्नोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पे इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज द ऑर्ग्नोमेटेलिक कंपाउंड इज इट क्लियर सो दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वट आर द ऑर्गनोमेटेलिक कम्पाउंडस हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गनोमेटेलिक कम्पाउंड तो आपने सिर्फ क्या देखना है कि मेटल के और मेटल और कार्बन के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोनिक्टिविटी का डिफ्रेंस होना चाहिए एवरी मेटल शुड हैव इलेक्ट्रोनिक्टिविटी लेस दैन टू पॉइंट फाइव और ऑर्गनोमेटेलिक जो ब्रांच है इट इज़ वेरी वेरी वास्ट ब्रांच आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स बहुत सारी बुक्स देख सकते हैं ऑर्गेनोमोटेलिक कम्पाउंड में और धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे बटा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गोनमेंटेलिक कंपाउंड तो आज के लेक्चर के लिए दिस इज इनफ थैंक यू